नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, फिर लाया हूँ खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हत्यारों को, बलात्कारियों को, डकैतों को, लुटेरों को, चोरों को कानून का खौफ नहीं के बराबर है। उन्नाव की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हो पाई तो दिल्ली से सटे नोएडा में फिर एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। कानपुर में एक दलित लड़की हैंडपंप पे पानी भरने जाती है और फिर उसे जिंदा जलाया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे भगवान भरोसे है क्योंकि उसकी सुरक्षा कई थानों में बटी हुई है। वारदात करने वाले एक थाने में वारदात करते हैं और दूसरे के क्षेत्र में भाग जाते हैं। ऐसे में लुटेरे, हत्यारे और बलात्कारी खुलेआम यमुना एक्सप्रेसवे पे नंगा नाच रहे हैं और हाल ही में वहां फिर एक विदेशी लड़की के साथ लूटपाट की घटना सामने आई। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से पूरे प्रदेश में ठाकुरों की दबंगई बढ़ी हुई है। खबर के पीछे की खबर यह है, उत्तर प्रदेश में प्रशासन कैसा चल रहा है इसका बेहतरीन उदाहरण आपको सामने मिलता है जब एक थाने का इंचार्ज एक गुंडे को अपना नाम इनकाउंटर लिस्ट से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करने के लिए कहता है। मुरैनपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सुमित कुमार सिंह ने जब गैंगस्टर लेखराज यादव से बात की तो उसे कहा, तुम्हारा इनकाउंटर होना तय है, यदि बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करो और अपना नाम इनकाउंटर लिस्ट से निकाल दो। इसके मायने ये है कि जो नंगा नाच भ्रष्टाचार का पहले चल रहा था वो आज भी उत्तर प्रदेश में जारी है। क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या में सरयू नदी के किनारे प्रभु राम की बड़ी मूर्ति स्थापित करके ही अपना दायित्व पूरा करेंगे या वाकई राम राज्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे? यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।